नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है। कोसी तांडव मचाने के लिए तैयार है क्योंकि सुपौल में कोसी नदी पर बने बैराज से 3,03,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। बताया गया कि ये पानी कोसी के पास के जिलों पर भारी पड़ सकता है। वहीं हाजीपुर में भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उफान पर बह रही गंगा नदी सब कुछ डुबाने के लिए बेताब नजर आ रही है। वहाँ हुए एक हादसे ने तो खौफ पैदा कर दिया। राघोपुर में एक ओवरलोडेड नाव पुल से टकरा गई, जिसके बाद युवक नदी में गिर गया। यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर इसी तरह सफर करने पर मजबूर हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी की। अयोध्या के पास के इलाकों की नदियाँ बारिश के बाद उफान पर है। नदी के पास बसे लोगों के सामने डूबने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए यूपी के मंत्री उन जगहों पर पहुँचे जहाँ दहशत है। भारी बारिश के बाद यूपी के बस्ती की सूरत ही बदल गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई मकानों में 3 फीट तक पानी भर गया। यहां तक कि बिजली पावर हाउस में पानी की एंट्री हो गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में सोन नदी डराने लगी है। केलारस के सैकड़ों ग्रामीण इससे प्रभावित है। लोगों के आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं।